हाय गाइस, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, मैं काफी दिनों के बाद आज व्लॉग बना रही हूँ बिकॉज मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो इसलिए मैं शूट भी नहीं कर रही हूँ बिकॉज मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। तो आज मेरा व्लॉग बनाने का क्या बोलेगे अदनान, व्लॉग बनाने का मकसद ये है कि हम लोग अभी जा रहे हैं हमारी गाड़ी लेने के लिए, हमारी नहीं अदनान की, गाइस मेरी नहीं है वो, अदनान की है। तो हम लोगों ने बहुत दिन से बुक करके रखे थे बट हम लोगों को विद नंबर प्लेट चाहिए था, इसीलिए हम लोगों ने लिया नहीं था। तो आकर भी बहुत टाइम हो गया है, तो आज फाइनल कल उसका नंबर आ चुका था, तो अभी हम लोग जा रहे हैं लेने के लिए। तो कौन सी गाड़ी है, क्या है, आप हमारे साथ चलिए और देखिए। एंड गाड़ी ये शख्स की है, इनकी गाड़ी है और ये दोनों भी चल रहे हैं हमारे साथ लेने के लिए। चलो फटाफट। सो अभी गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं। सो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं और अभी यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है गाड़ी चला कर लेके कौन जाएगा। तो अमान बोल रहा है मैं लेके जाऊंगा, जबकि लोग आने भी नहीं वाले थे, ये लोग यहाँ पे फालगा लेने आए थे, तो लोग साथ में आ गए हम लोगों के। मैं आप लोगों को बताती हूँ गाड़ी में। सो गाइस हमारी गाड़ी है ये, हम लोगों ने लिया है एक्टिवा व्हाइट कलर की बिकॉज मुझे व्हाइट कलर अच्छा लगा था, दैट्स व्हाई। तू चला के लेके आएगा, देखते देखते। और हेलमेट भी मिला है हम लोगों को इसी के साथ। सो गाइज हम लोगों की ये जो गाड़ी है ये पूरी तरीके से रेडी नहीं हुई है, बट अदनान को आज छुट्टी है तो अदनान ने बोले कि ले लेते हैं आज, बाद में जो थोड़ा बहुत रहेगा वो मैं कल आके करवा दूंगी। इसमें गार्डन और कुछ भी लगा नहीं है तो वो मैं कल आके करवा लूंगी, क्योंकि अदनान की आज छुट्टी, तो अदनान को था कि मैं आज ही ले लूँ, तो इसलिए हम लोगों ने आधी अधूरी गाड़ी ले लिया। हमारी आधी अधूरी गाड़ी गाइस, गार्ड भी नहीं लगा है और साइड स्टैंड भी नहीं है, बट अदनान की वजह से हम लोगों को आज लेना पड़ा। ये इसका कवर है और हेलमेट कहाँ रखे, अच्छा है हेलमेट, तुम लोग लेके जाओ ना हेलमेट, लेकर जाओ तुम लोग क्या। सो गाइस अभी हम लोग अदनान की बिल्डिंग में आ गए और गाड़ी मैंने चला के लेकर आई बिकॉज अदनान के पास बुलेट थी, तो बुलेट तो जाहिर सी बात है मैं नहीं चला सकती थी, तो मैंने एक्टिवा चला के लेकर आई और अमान और वो दूसरा अमान चले गए थे। मैंने लोगों को बोली भी मेरा शूट करो बट दोनों निकल गए फालूदा लेने के लिए और अदनान गाड़ी चला रहे थे तो अदनान तो शूट नहीं कर सकते थे। तो अभी अदनान अपने फैमिली वाले को नीचे बुला रहे बिकॉज किसी को भी पता नहीं है, अदनान की फैमिली में किसी को नहीं पता है, मेरे फैमिली में पता है बिकॉज हम लोग उन लोगों को भी नहीं बताने वाले थे, बट डैडी ने ही कराया है गाड़ी का सब कुछ, इसलिए डैडी को पता है। और ये अंकल को अभी आवाज़ करना था, तो डैडी को सब कुछ पता है, मतलब मेरे घर में पता है, सिर्फ इनके घर में नहीं पता है। तो अभी देखते हैं, और उनको हम लोग ने ऐसा बोल के बुलाया कि अब भी कब भी जल्दी आओ, हम लोग ने बताया नहीं है, तो अभी देखते हैं उन लोग का रिएक्शन। और इनको देखो इतने खुशी क्योंकि इनकी गाड़ी है ना ये, हाँ भी बोल रहे हैं। नहीं नहीं तुमने पहला हाँ बोला, जो पहला बोले वही सच होता है। तो गाइस हम लोग का पचकौस हो गया क्योंकि भाई और अजरा दी बाहर से, हम लोग मम्मी को फ़ोन करके बुलाया कि जल्दी जल्दी नीचे आओ, तो भाई ने यहीं पर देख लिए, पापा भी आए। इन्होंने ये बुलाए फोन करके, मैंने नहीं बोली अजरा दी, ये बोले क्या बोले तुमने, अच्छा इन्होंने बोले मैंने। मम्मी का रिएक्शन, पापा का रिएक्शन देखो। अन्ने सबको डरा दिए गाइस यहाँ पे, और मम्मी को तो ज्यादा। सो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं अदनान के वहां से, अभी हम लोग जा रहे हैं मेरे घर पे मेरे मम्मी डैडी को दिखाने। अमान ने तो देख लिया है, इसके पापा को तो पता ही है लेकिन गाड़ी देखी किसके पापा ने। ओके और गाइस अदनान थोड़ा स्लो बोलते हैं, थोड़ा मैनेज कर लेना, तो अभी चलते हैं। तो गाइज हम लोग आ गए हैं बट सोसाइटी के अंदर नहीं लेके जा सकते बिकॉज हमारी सोसाइटी बन रही है, तो अभी मम्मी डैडी को बुलाई हूँ और मम्मी आ चुके हैं और डैडी भी आएंगे, अभी हमारी सोसाइटी बन रही है इसलिए हम लोग अंदर नहीं लेके जा सकते हैं। क्या बोले अदनान, मजा आ रही है बट मुझे इसको चलाने के लिए। देखो इन लोगों को, तू देखा था ना, तू क्यों आया वापस, अच्छी लग रही ना व्हाइट में, कलर भी लेकिन अलग अलग है। हाँ व्हाइट में अलग है, व्हाइट में अलग व्हाइट है। अदनान की गाड़ी अच्छी लगी, हाँ जान बुझ के देखो ये बोल रहे अदनान की गाड़ी अच्छी लगी, अदनान की गाड़ी है वो, मेरी नहीं है, पर मैंने ही चला के लेकर आई है।
ए भाई ए भाई ए भाई नई गाड़ी हमारी सब लगेगा ये इसमें वो भी नहीं है स्टैंड भी नहीं दिया हुआ वो सब कल लगेगा एक्सेस तो छोटी ये न्यू है ये इन्होंने अपने घर पे क्या करे मालूम फोन करके डैडी सब उन लोग बोलते अब्बी के अब्बी नीचे आओ तुम लोग सबके सब नीचे आओ उसकी अम्मी तो डर के नीचे आए तो चिल्लाए इनको नीचे आने के बाद क्या हुआ डिक्की ये बंद ही नहीं कर पा रहे हैं ये नई गाड़ी डिक्की नहीं खोल पा रहे वाह देखो हाँ बटन वाली डिक्की है ना मतलब बटन से खुलती है सबके सब परेशान है गाइस गाड़ियों गाड़ी में ये कवर है अरे डीजे खोल दिए पेट्रोल का विंडशटर क्यों देगा वो अम्मी और ये इक्विपमेंट है हाँ इक्विपमेंट भी देते सब देते हाँ दिया था सब करवा देंगे ना अदनान कल वो बोला डैडी 1 बजे आ जाना कल तो सब करके दे देगा कलर अच्छा है क्या क्या हुआ हाँ चलो रेडी वर स्टैंड नहीं है वो ध्यान देखना अपने को आदत है क्योंकि जाओ आंटी सामने जाओ अम्मा आंटी बोल रही हूँ राउंड लेकर आओ क्या इसकी जल रही है गाइस इसकी जल रही है हाँ हाँ सीट छोटी है अच्छी है बट गाड़ी चालू होती तो मालूम नहीं पड़ती है जाओ 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 हाँ रहने दे हम लोग दोनों के लिए काफी है तो अभी गाइस चलते हैं हम लोग घर घर में चलते हैं यहीं खड़े रहते हैं तो ये भी चलाएगा ठीक है रुक जाओ फिर गाइस अदनान बोल रहे हैं मेरे डैडी पे वाइट गाड़ी सूट करती है मेरे डैडी के पास पहले भी वाइट एक्टिवा ही थी जो हम लोग सबकी फर्स्ट गाड़ी थी गाइस मेरे डैडी की फर्स्ट गाड़ी थी एक्टिवा कितने साल हो गए लेकिन मेरे डैडी ने उसको एज इट इज रखे अभी तक का बोलते मैं बेचूंगा अभी नहीं मैं कुछ भी नहीं करूंगा खड़ी रखूंगा और अभी लोग आ भी गए दोनों राउंड मार के और ये अभी अदनान यहाँ पे खोल कर देख रहे हैं देखो देखो हाँ इसको अम्मा एक्सेस में से पेट्रोल निकालो ये लेकर जाएगा फिर अच्छा है आएगा टकले पे तुम्हारे मेरे को नहीं चाहिए भैया मेरी गाड़ी नहीं है सॉरी नो कोई बोलता है मेरी गाड़ी नहीं है कोई बोलता है मेरी गाड़ी है दिया नहीं ये वाला सो गाइस इसको राउंड मारने का और एक्सेस में भी पेट्रोल नहीं है तो अब इसको बोले छोटा राउंड मार के आ लूज है तो लिया क्यों तुमने आज गाड़ी जब कुछ भी करके नहीं दिया तो बड़ी खाई थी लेने की जा अमन जा जाओ दोनों जाओ गाइस तुम इतने इंटरेस्टिंगली क्या देख रहे हो अच्छा गाड़ी सो गाइस अभी हम लोग हाँ सबको पसंद आई तो गाइस अभी हम लोग जाते हैं घर पर बिकॉज अभी मुझे रेडी होकर निकलना है अदनान की मम्मी के लिए गिफ्ट लेने के लिए बिकॉज उनकी मम्मी का बर्थडे 5 तारीख को था बट अदनान को नहीं छुट्टी थी तो नहीं जा पाए थे तो अभी कुछ लेते हैं और देते हैं उनको चलते घर में चलो गाइज ये सब मम्मी और ये लोग मुझे गाड़ी के लिए इसलिए चिढ़ा रहे हैं क्योंकि अदनान ने गाड़ी मेरे लिए ही ली है बट मम्मी बोल रहे नहीं ली है और मैं आप लोगों को सच्चाई बताती हूँ मेरे डैडी जो मेरी डैडी गाड़ी चलाते ना गाइज वो उन्होंने मेरे को आज से 2 साल पहले गिफ्ट किए थे जो कि वो मेरी थी ही नहीं गिफ्ट सिर्फ मंतशा का था नाम मेरा था बट चलाते डैडी अभी तक का अब डैडी कुछ तो बोलेंगे यार सो डैडी वो गाड़ी किसकी थी जो आपने मुझे गिफ्ट दिए थे हाँ तो चलाता कौन है अभी जो व्हाइट गाड़ी है वो किसकी है अदनान वो गाड़ी किसकी है क्या क्या आप पसर रहे मम्मी वो गाड़ी किसकी है मैं अभी वो गाड़ी पर नहीं बैठूंगी समझ में आ रहा है हाँ जाओ हाँ मैं अभी वो गाड़ी पर नहीं बैठूंगी गाइस जा कट्टी सो गाइस अदनान ने गाड़ी तो ले ली है बट अदनान ने गाड़ी ज्यादा करके एक्टिवा मैंने ही उनको बोला था वो पहले बाइक का सोच रहे थे कोई तो फिर मैंने बोली आप बाइक ले लोगे तो मैं नहीं चला पाऊंगी एटलीस्ट एक्टिवा रहेगी तो कभी आप बुलेट लेकर जाओगे तो एक्टिवा तो रहेगी एटलीस्ट तो मैं चला लूंगी तो वो हिसाब से हम लोगों ने एक्टिवा का डिसीजन लिए थे हम लोगों ने बहुत गाड़ी बहुत सारी देखे थे उसके बाद बर्गमैन देखे थे बट वो मेरे पर नहीं सूट कर रही थी गाइस बिकॉज वो बहुत ज्यादा बड़ी है वो बॉयज लोग पर ही अच्छी लगती है तो फिर इसलिए उसका कैंसिल करके और एक्सेस तो ऑलरेडी घर में है हम लोगों के पास तो एक्टिवा हम लोगों ने सोचा इसलिए हम लोगों ने एक्टिवा ले लिया तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग आप लोगों ने सबका रिएक्शन देख लिया एंड आप लोग भी कमेंट में बता देना कि आप लोगों को हमारी गाड़ी कैसी लगी और गाइज कल गाड़ी प्रॉपर पूरे तरीके से रेडी हो जाएगी तो उसका भी मैं थोड़ा सा क्लिप ऐड कर दूंगी इसमें ठीक है गाइज बाय बाय।